ये मेरा व्यक्तिगत सुलझाव है, तो इसलिए हमें जो ठीक लगा उस पर हम अपना वोट डालें। कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत खंबा हूँ मैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए आइंदा भी काम करेंगे। और ये मेरे ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर थे, पहले एमएलए हुआ करते थे सालेपुर से, मेरा फैमिली पूरा कांग्रेस का परिवार है। देखिए ये एक्चुअली गलत बोल रहे हैं आप, क्रॉस वोटिंग नहीं है ये। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हुई पोता नहीं है पार्टी का, सो हर कोई सांसद हो या विधायक हो, उनका अपने राइट्स पे उन लोग वोट देते हैं, इस पे कोई पार्टी का हुई पोता नहीं है। आप सारे हिंदुस्तान को देखिए, भारतवर्ष के विभिन्न जगह पे बहुत सारे लोग, एक पार्टी बीजेपी का आदमी कहीं यूपीए कैंडिडेट को वोट दिया है, कहीं यूपीए के लोग एनडीए कैंडिडेट को वोट दिए हैं। एक समय था जब हमारी सर्वोच्च नेत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपील किए थे सारे सांसद को, विधायक को, कि आप अपने विवेक अनुसार, अपने दिल के मुताबिक आप जो अच्छा समझते हैं उसी तरह वोट दीजिए, इसमें पार्टी की कोई हुप नहीं होती है। अभी भी जो कैंडिडेट लोग खड़े हुए हैं उन्हें भी अपील किए थे कि हर व्यक्ति का अपना स्वाधीनता है, सो अपने स्वाधीनता में वो अपना वोट कास्ट करने के लिए, तो हमने स्वीकार किया है कि हम ओडिशा से हैं, पहले बार ओडिशा से एक आदिवासी महिला को प्रेसिडेंट के रूप में देखने के लिए 4.5 करोड़ उड़िया लोग दिल लगा के बैठे हुए हैं, और विधायक के हिसाब से मैं पुरातन राजधानी जो है ओल्ड कैपिटल कटक से बिलोंग करता हूं, और मेरी भी फर्ज होती है लोगों के सेंटीमेंट को लेके सोच समझ के काम करना। जब लोगों का सेंटीमेंट, लोगों का चाहत था कि हमारी मिट्टी की महिला जो दलित है, आदिवासी संप्रदाय से बिलोंग करती है, उनको वोट देने के लिए, तो ये मेरा अपना दिल की आवाज़, दिल का आवाज़ निकला कि हमें यहाँ पे सोच के अपने दिल से काम करना चाहिए, और ये दिल में मेरा आया। और लोग भी चाहते थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग चाहते थे, ओडिशा के लोग चाहते थे, पार्टी की व्हिप नहीं थी तो हमने डिसीजन लिया। हम सोच रहे हैं कि ये करेक्ट डिसीजन लिए हैं हमारे यहाँ के राजनीतिक दृष्टिकोण से, और पार्टी जब हमसे बात करेगी जरूर मैं पार्टी को इस सवाल, इसका आंसर दूंगा, और बंद घर के अंदर उसकी उस बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हमें यहाँ पे सोचना चाहिए था, हमें ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, ये छोटा इलेक्शन नहीं है, इसमें लोगों का सेंटीमेंट होता है। ऐसे बहुत बार हुआ है कि प्रतिभा पाटिल जी जब महाराष्ट्र से यूपीए की कैंडिडेट की तरफ से लड़ रही थी, तब बीजेपी का हाथ छोड़ के शिवसेना ने उन्हें सपोर्ट दिया था मिट्टी के लिए, लोकल कैंडिडेट के लिए। आज के दिन में भी यशवंत सिन्हा का हाथ छोड़ के हेमंत सोरेन ने वोट दिया है द्रौपदी मुर्मू को। तो कुछ लोकल इक्वेशन भी पॉलिटिकल कंपल्सन होता रहता है, और पार्टी भी उसी लाइन से चिंता करना चाहिए था, ये मेरा व्यक्तिगत सुलझाव है। तो इसलिए हमें जो ठीक लगा उस पर हम अपना वोट डाले। तो अभी आप कांग्रेस पार्टी में हैं? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत खंबा हूँ मैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए आइंदा भी काम करेंगे। और ये मेरे ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर थे, पहले एमएलए हुआ करते थे सालेपुर से, मेरा फैमिली पूरा कांग्रेस का परिवार है, और इस खराब समय में भी ओडिशा में कटक जैसे जगह से लोग हमें इलेक्शन में निर्वाचित किए हैं, जयजुक्त किए हैं। मेरा कर्तव्य पार्टी की तरफ से है
ये एक एक्सेप्शनल चीज है। जब राष्ट्रपति निर्वाचन 75 साल के बाद एक मौका मिला था उड़ीसा को, तो उसमें मैं भागीदारी होना ये मेरा खुद का डिसीजन है। मैं डिसीजन लिया, अगर पार्टी का हुई होता तो मैं डिसीजन नहीं ले पाता। लेकिन डिसिप्लिन जो है पार्टी का उसको, वो बिल्कुल डिसिप्लिन में है, डिसिप्लिन डिसिप्लिन में हूँ मैं बिल्कुल। कोई इनडिसिप्लिन काम किया नहीं हूँ, और हाईकमांड से जब मेरे से बात करना चाहेंगे मैं जरूर उसको प्रॉपर वे में रिप्लाई करूँगा।